एक और सरकार जहां हर घर पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं इसकी जिम्मेदारी जिस विभाग की है वो इतने महत्वपूर्ण कार्य को संजीदगी से कर रहे हैं या नहीं, इसकी वानगी जिला कोरिया के ग्राम पंचायत उरुमदुगा के ग्राम जगदीशपुर में जाकर आसानी से समझा जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरिया जिले के जिला मुख्यालय वैकुंठपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत उरुमदुगा के ग्राम जगदीशपुर, जो कि लगभग 35 घरों की बस्ती है, वहां लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत पानी पहुंचाने की बात कर रहा है और अपनी वाहवाही में अपनी पीठ खुद थपथपाते नजर आ रहे हैं। वहीं गांव के हालात कुछ और ही बात बयां कर रहे हैं। लगभग 35 घरों के इस गांव में, जहां 3 घरों में जल जीवन मिशन के तहत ना प्लेटफॉर्म बना है और ना ही उन 3 घरों तक पानी पहुंचा है और ना ही पाइपलाइन गई है, तो उसी गांव के अन्य 4 घरों में प्लेटफॉर्म भी बने, नल भी लगे, लेकिन पानी आज तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में शत प्रतिशत घरों में लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा पानी पहुँचाने की बात बेमानी नजर आ रही है। हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, नल जल बन गया है और 3-4 ठो घर है, पानी नहीं आता है इसमें। इसकी कहीं शिकायत किए थे? शिकायत तो किए थे उन्हीं लोग के पास जो बनाने उनाने के लिए अभी जो आए थे, वो चीज़ पास उस करवाने के लिए, उनसे भी बताए कि नहीं इधर नहीं पानी आता है 3-4 घर में। क्या बताया? तो कहे नहीं जाएगा पानी से करके। जगदीशपुर का रहने वाला, और घर नल नहीं लगा है, नहीं लगा है। मेरे यहाँ पानी नहीं आया है, है ना, हेडपम्प भी नहीं खुला है ना। सर्वे करने आए थे, है ना, सर्वे करके चले गए दूसरे जी, मतलब बहुत बहुत जगह मतलब लग गया है, मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ है ना। सर्वे करने आए थे उन लोग, चल दिए। जब इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग के प्रभारी EECB सिंह से बात की गई, तो वह ढलान और ऊंचाई की बात करते नजर आए। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि यदि ऐसा है तो फिर विभाग में सब इंजीनियर SDO जो विशेषकर इन्हीं कार्यों के लिए रखे गए हैं, वह क्या कर रहे हैं, उनका क्या कार्य है? कोरिया जिले का ये जो जगदीशपुर गाँव है, विकासखंड बैकुंठपुर में है, और ये जिले का पहला गांव है जहां हर घर जल सर्टिफिकेशन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। जहां तक ये जो आप कह रहे हैं कि हर घरों में पानी नहीं आ रहा है, आप जब वहां देखे होंगे कि वहां का जो बसाहत एक तरफ ढलान है, एक तरफ ऊंचाई है, तो क्या होता है, अपन फ्लो कंट्रोल करने के लिए बाल्ब लगे रहते हैं। यदि बाल्ब का जो सही ऑपरेशन नहीं होगा तो पानी किसी एक तरफ जाएगा, और वहाँ सोलर पंप लगा हुआ है जिसकी क्षमता 10,000 लीटर है। यदि इसी तरह से वो कंटिन्यू एक दिशा में बहता रहेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरी तरफ पानी नहीं जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी हम गांव में ही प्लम्बर और ये सब प्रशिक्षित करके उपलब्ध कराए हैं। अब ये है कि वो किस तरह कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में मैं जानकारी लूँगा और इसको सही कराने का प्रयास करूंगा।